ले ले, यहाँ से बैलेट इशू होता है, ये वीपेड मशीन और ये बैलेट, यहाँ पे मतदाता को आप जिसको वोट दोगे ये उसमें कर उसको इसमें वेरीफाई होता है, इसमें दिखेगा आपको कि आपने किसको वोट दिया है, ये आपको वोट, अब आपको वोट डालिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्रम आज़ाद और तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज असी गल करांगे कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है की है, ये काम किस तरह करती है, तो अपोजिशन जमातां इहदी मुखालफत क्यों कर रही ने, इह तों इन्ना खौफजदा क्यों ने। इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिहड़ी आ उह इहो जिही डिवाइस आ जिहदे च पहले तों ही कैंडीडेट का डेटा जिहड़ा सारा दर्ज हुंदा, उह सिर्फ टच करदा और उहदे नाल ही वोट जिहड़ा उहदा कास्ट हो जांदा, पहले तो सारा डाटा वो अंदर मौजूद होंदा। और इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी पहले तो बड़ी सी, लेकिन हुण जी डिवाइस छोटी हो गई, जिस तरह के मोबाइल पहला बड़े सके हुण जिहड़े वो साइज छोटे हो गए। इस तरह इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन च मेनली दो पार्ट ने, बस एक उहदा कंट्रोल पैनल आ और एक स्क्रीन आ। स्क्रीन के उत्ते कैंडीडेटा के सारे नाम होंगे, जबकि कंट्रोल पैनल तो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होंगे। तो अपोजिशन जमातां इत्थों खौफजदा इस वास्ते ने कि पहले वो धांधली कर दे रही, फिर उन्होंने ये भी खौफ है कि साढ़े जड़े कई हज़ार बोगस वोटर ने वो नहीं पै सकेगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन च सिर्फ वो ही डाटा जड़ा कि नादरा दे कोल, यानी जड़ा कि शनाख्ती कार्ड जड़ा होएगा तुहाडे कोल, शनाख्ती कार्ड दे जड़ा नादरा दे कोल डाटा उहदे उत्ते तुसीं वोट पा सकदे हो, बोगस वोट इहदे नाल बिल्कुल नहीं पै सकदा। और गिनती ये नाल दी नाल हो जाती है, गिनती का कोई मसला ही कोई नहीं है। इस तरह नून लीग के एक सीनियर रहनुमा आसन इकबाल साहब ने कहा कि वोटिंग मशीन जी ये हैकिंग का खतरा और ये सही तरह नतीजे जड़े वो नहीं आने। तो ये उत्ते गल इस तरह है कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी ये उत्ते बिल्कुल हैकिंग हो ही नहीं सकती, जी लेटेस्ट हूँ आईया ने। सिर्फ दो तरीके ने हैकिंग दे, अगर तुसी हैकिंग करना चाहो तो, कि या तो ज़ाया हो जाए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी, और या मदरबोर्ड चेंज कर दो, वरना ये उत्ते बिल्कुल हैकिंग जी नहीं हो सकती। हैकिंग इस वास्ते नहीं हो सकती कि ये सिर्फ करंट जड़ा ना वो ला के बैटरी पहले चार्ज करती जाती है, करंट तो अलावा होर ये कोई भी कनैक्ट डिवाइस नहीं हो सकती, ना ब्लूटूथ ये है और ना ही वाईफाई का सिस्टम आ। जो ब्लूटूथ वाईफाई का सिस्टम नहीं है ना किसी डिवाइस ने कनैक्ट हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होंगे कि हैकिंग हो जाए। सिर्फ तू चार्जिंग वास्ते इन ना ला सकते हो, करंट पास आ सकता, होर कोई चीज़ ना ये अंदर नहीं आ सकती। हैकिंग सिर्फ उस तरीके मुमकिन आ कि या तो कोई डिवाइस खो के लै जाए, मदरबोर्ड चेंज कर दे, और या डिवाइस जी ज़ाय हो जाए। तो इस तरह ना होर भी एक नवी मंतक छड़ी के नवी मंत्र कड़ी उन्हें यह छी कि बारहों जोड़े वोट पैने, इस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि बारहों वोट जोड़े आ, क्योंकि 90 लाख तो जायद 90 लाख तो जायद पाकिस्तानी साढ़े जड़े ने बहर ने, तो अगर वो वोट पाते रहे कि उन्होंने वोट फिर कास्ट कर परसेंटेज भी सब तो ज़्यादा कि 80 तो 90% अपने 80 तो 85% तक वो वोट कास्टिंग रेशो उन्होंने है, और सब तो ज़्यादा फिर वो पी टी आई लाइक करते, उस तो बाद नून लीग और पीपल पार्टी बहुत कम लाइक करते बारे बंद। तो अगर ये मसला हो जाए तो अगर यानी कि उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने हक देता तो इस वास्ते वो अपना हम वोट कास्ट कर सकेंगे, और सब तो ज़्यादा फायदा पी टी आई होएगा, क्योंकि मुल्क चो उन्होंने घट भी वोट पैणगे तो उधरों वोट जड़े आ 90 लाख के अगर 60-65 लाख भी पेंदे आ तो पी टी आई बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। इस वास्ते अपोजिशन खौफजदा कि उधरों वोट ला के फिर पी टी आई जी बरसर इकदार आ जाएगी, फिर अपनी हुकूमत बना लेगी। तो इस तरह उन्हों का बिल्कुल सादा सिस्टम आ, नैट उत्ते कई वीडियो पईआं ने तुसीं वेख सकदे हो कि वह सिर्फ उन्होंने पहला वोट रजिस्टर्ड करना है, वोट रजिस्टर्ड करने का तरीका पूरा है, बिल्कुल सादा वा। उस तो बाद अपना वोट जरा ईमेल के थ्रू रजिस्टर्ड करके ईमेल के थ्रू ही उन्हें अपना वोट जरा मुतलका कैंडीडेट को भेज देना, और सिर्फ वो अपने हल्के कैंडीडेट को जोड़ा उन्होंने मुतलका कैंडीडेट आनू वोट पा सकते, होर किसी को वोट कास्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सादा तरीका है, जोड़ा कि 2018 का जो ज़िमनी इलैक्शन से पहला वो आजमाया जा चुका। तो फिर साढ़ा इलैक्शन कमीशन भी एक अजीब मसला है कि इलैक्शन कमीशन ने कहा कि जोड़ा इलैक्शन कमीशन का जोड़ा 94(1) और दूसरा हैगा 103
94 एक ते 103 जड़े सैक्शन जेदे च तरमीम की है वह कहते जी ये बड़ा मसला जमातों कई तफजात ने तो इस वास्ते ईद तो बाद अजलास बुलाया जाएगा। पहलियाँ जमातों असले नून लीग तो PTI नून लीग तो पीपल्स पार्टी जी यह कर दी सी कि वह कह दें कि इस तरह इलैक्शन जड़े कराए जाएंगे और इलैक्शन कमीशन जरा इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम का पूरा इंतजाम करे तो ये उत्ते बहस कराई जाएगी कौमी असैम्बली फिर पार्लीमेंट तो पास कराया जाएगा। जबकि बहस बूस नहीं करवा सिर्फ वो कह दें कानून जरा बढ़ के अमले तो कुछ नहीं होंगे क्योंकि अगर बहस इत कराई जाती तो फिर वो जमातों ने सारिया ने मिल जाना क्योंकि 2/3 ये उत्ते मेजोरिटी चाहती है। तो इस वास्ते फैसला किया गवर्नमेंट ने कि सदर जड़े आरफ अलवी साहब ने उन्होंने नाल ही ये तो सदारती आर्डियंस के जरिए नाफज करता कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जीडिया वो इलैक्शन कमीशन लैन का प्रबंध आ और सारा सिस्टम जरा पूरा इतने चाहिए सारा प्रोजेक्ट जड़ा है उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिता कि सारा प्रोजेक्ट जड़ा वो इलैक्शन कमीशन प्रबंध आ और सारा इंतजाम करेगा ये बारे क्योंकि अगर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जीडिया जिन्हों शॉर्ट असं EVM कह दें अगर EVM लिया जाए तो वह साडा खर्चा घट जाएगा बाकी है कि फिर जमा तफरीक का खर्च कागजा का खर्चा पेंसिलों का खर्चा बहुत कम होएगा यानी कि वो नाल इस्तेमाल तो होंगे लेकिन बिल्कुल उन्होंने खर्चा मिनिमम रह जाएगा। तो एक वीडियो है जी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन की वीडियो है वो किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी किस तरह काम करती है वो तुसी वीडियो देखो वो तो पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी किस तरह काम करती है। वीडियो असल च 2-2.5 साल पहलों दी है इस तो बाद एक नवी हुण इलेक्ट्रॉनिक मशीन जड़ियाँ आ गई ने आओ देखते हैं जी वीडियो के किस तरह काम करती है EVM मशीन। बैलेट यूनिट है ये कंट्रोल यूनिट है ये कंट्रोल यूनिट है और ये वीपैड मशीन है ये आपने दिया क्या वीपैड आई है ये पहली बार ये मशीन का उपयोग हो रहा है। आपने वोट डाला इसकी पहले वोटिंग वोटिंग की है नहीं 18 साल के हो गए ना अब आप पहली बार ये अभी विधानसभा चुनाव होना है जाओगा 19 में ही हो उसमें ये मशीनों का उपयोग हो जा रहा है। इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट यहाँ से बैलेट इशू होता है ये वीपैड मशीन और ये बैलेट यहाँ पे मतदाता को आप जिसको वोट दोगे ये बूथ में कर उसको इसमें वेरीफाई होता है इसमें दिखेगा आपको कि आपने किसको वोट दिया है ये आपको वोट अब आपको वोट डालिए अब इसमें आपको दिखेगा जो भी आपको ये इसमें दस कर आइए कितने साल के हो गए मैं 24 एक बार पर्ची आपने वोट दिया है हर बार ना ये पहली बार देंगे अभी नवंबर में चुनाव है विधानसभा उसमें इस मशीनों का तीनों मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं ये वीपैड मशीन है इसमें आपको दिखता है कि हमने वोट दिया है ये बैलेट यूनिट है ये जैसे अभी आपको वोट इशू किए आप यहाँ वोट डाल के देखिए तो ये आपको दिखेगा किसको वोट दिया है ना डालिए वोट इसको इसमें आप देखिए 60 सेकंड तक के आपको पर्ची दिखेगी हाँ तो ये आपने किसको वोट दिया है ये आपको वेरीफाई होगा इसके बाद में बीप बजेगी तो ये आपका वोट कंप्लीट हो गया बीप आवाज ये आवाज भी सुनना है कि हमारा वोट कंप्लीट हो गया नाम लिखिए। हाँ जी तुसी देखिया कि वो एक स्क्रीन है कंट्रोल पैनल आ और बिल्कुल EVM मशीन है हूँ तो इस तो भी साइज जी छोटी आ गई है तो अगली नवी वीडियो के नाल फिर मिलेंगे। ओके जी रब राखा।